सभी प्रशिक्षुओं का आज की कक्षा में पुनः स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि पिछली कक्षा में मैंने आपको फील्ड ट्रिप के विषय में बताया था कि फील्ड ट्रिप क्या है और इसका पर्पस क्या है, आज हम देखेंगे कि फील्ड ट्रिप का आयोजन जब किया जाए यानी पर्यटन विधि के तहत बच्चों को भ्रमण के लिए ले जाया जाए तो किन किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है, आइए उस पर हम लोग नजर डालते हैं। ठीक है, चलिए। तो आज का हमारा टॉपिक वही है, पर्यटन विधि या एक्सकर्शन या भ्रमण विधि या फील्ड ट्रिप। ठीक है, तो किन किन बातों का ध्यान रखना है जब भी इस विधि का प्रयोग टीचर करते हैं और बच्चों को कहीं भ्रमण के लिए ले जाते हैं, तो सावधानियां क्या क्या रखना है या एक तरह से कह सकते हैं पूर्व तैयारी, पूर्व क्या क्या तैयारी होनी चाहिए, किन किन बातों का ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक। सबसे पहले तो योजना बनाना है, किसकी योजना कि कहाँ जाना है फील्ड ट्रिप के तहत, किस दिन जाना है, किस डेट को जाना है, ठीक है, समय क्या रहेगा जाने का आदि, तो उनका बनाते समय इसका ध्यान अवश्य ही रखना है। उसके बाद कुछ और विशेष बातों का ध्यान रखना है, पर्यटन के तहत जहाँ आप जा रहे हैं तो क्या करना है कि सबसे पहले तो एक चेकलिस्ट बनाना है ना, चार्ट सूची जिसको बोलते हैं चेकलिस्ट। तो चेकलिस्ट में क्या रहेगा, सबसे पहले तो जहाँ जा रहे हैं वहाँ के स्थान को देखने के लिए अनुमति है या नहीं, ठीक है, विद्यालय से भी अनुमति लेना है और जिस स्थान पर जा रहे हैं यदि वहाँ अनुमति की आवश्यकता है तो वहाँ भी परमिशन लेना है, परमिट लेना है, अनुमति लेना है, जो भी अथॉरिटी है, ठीक है। चलिए, तो क्या करना है, पहले अनुमति लेना है विद्यालय से, ठीक है, विद्यार्थियों के पेरेंट्स से, अभिभावकों से, ठीक है। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन यानी यातायात कैसे जाएंगे, यातायात की व्यवस्था, बस से जाएंगे, ट्रेन से जाएंगे, कैसे जाएंगे, यातायात की व्यवस्था करनी है, ठीक है। फिर इसके बाद क्या करना है, सेफ्टी सुरक्षा के लिए पूरा ध्यान रखना है, सुरक्षा से संबंधित जो जो बातें आती है उस पर पूरा ध्यान रखना है और आपातकालीन व्यवस्था की भी विशेषता हमेशा बना करके रखनी है, आपातकालीन इमरजेंसी में कुछ हो जाए तो क्या करना है, व्यवस्था क्या करना है, बना करके रखना है, ठीक है। तो दूसरा चेकलिस्ट बनाना है जिसमें ये सारे क्या रहेंगे, पॉइंट्स रहेंगे। उसके बाद क्या करना है, एक लीडर तैयार करना है, इसको साफ कर रहे हैं आप लोग देखिएगा, ठीक है। योजना बन गया, हमारा चेकलिस्ट बन गया, अब प्रत्येक बच्चे को क्या करना है, कार्य सौंपना है और एक लीडर तैयार करना है बच्चों के बीच में से, यानी विद्यार्थी को क्या करना है, विद्यार्थी को नेता के रूप में चुनना है, नेता के रूप में चुनना है, साथ ही शिक्षक भी उनकी देखरेख के लिए रहेंगे, शिक्षक को भी चुनना है एज ए लीडर, ठीक है, जिसके निर्देशन में बच्चे कार्य करेंगे। बच्चों को चुनना है, प्रत्येक व्यक्ति को जो भी जा रहा है सबको कुछ न कुछ जिम्मेदारी देनी है, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे नॉन टीचिंग स्टाफ हो, प्रत्येक व्यक्ति को क्या
कोई न कोई काम देना है, कोई न कोई जिम्मेदारी या उत्तरदायित्व क्या करना है, देना है, उत्तरदायित्व प्रदान करना, ताकि सब अपने कार्य में सजग रहे, सक्रिय रहे। प्रत्येक को उनकी भूमिका बतानी है, प्रत्येक को उनकी भूमिका बतानी है कि आपको क्या काम करना है, भूमिका बतानी है कि आपका क्या काम रहेगा, बतानी है। ठीक है, तो इसे क्या होगा, हर व्यक्ति क्या रहेगा, अलर्ट रहेगा, सक्रिय रहेगा, अपने उत्तरदायित्व को सही तरीके से निभाएगा। एक बात और करना है कि इमरजेंसी कॉन्टैक्ट हमेशा तैयार करें, आपातकालीन व्यवस्था के लिए क्या करना है, कोई कॉन्टैक्ट नंबर रखना है, आपातकालीन व्यवस्था से निपटने के लिए क्या करना है, कोई न कोई व्यवस्था करने, कोई नंबर रखना है, के लिए संपर्क स्थापित करना है, कोई न कोई ऐसा। आज के समय में तो टेलीफोन हो गया है, मोबाइल फोन हो गया है, कोई परेशानी नहीं है, मैसेज दे सकते, व्हाट्सएप पर दे सकते, फेसबुक पर दे सकते, हर जगह आप मैसेज छोड़ सकते हैं। आपातकालीन व्यवस्था के लिए कोई जरूरत हो, कोई ऐसा इमरजेंसी हो जाए, तो टीचर स्टूडेंट कांटेक्ट कर सकते हैं उस नंबर पर। तो इन सारी सावधानियों का ध्यान रखकर के ही टीचर को फील्ड ट्रिप का, विद्यालय को फील्ड ट्रिप का आयोजन करना चाहिए, तभी वो सक्सेस हो पाएगा और सही मायने में बच्चों को एक अच्छा अनुभव दे पाएगा। तो आज की कक्षा में इतना ही, आगे की कक्षा में हम नया चैप्टर शुरू करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।